नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चौका सड्डा का एक खास शो कहानी वाला। कुछ भी करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, ऐसा कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। आज मैं आपको उनके जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमेरिका के एक जंगल में एक नवयुवक दिन भर लकड़ियाँ काटता था। वह पढ़ना चाहता था लेकिन बहुत गरीब था और आसपास कोई विद्यालय भी नहीं था और पुस्तकालय भी 10 मील दूर था। तो अंत में उसने स्वयं घर पे ही पढ़ने का फैसला किया। वह अपने काम से समय निकालकर 10 मील दूर पुस्तकालय जाता और वहाँ से पुस्तक लाता था। रात भर दिया जलाकर उन्हें पढ़ता था और समय से पहले उन किताबों को वापस भी लौटा देता था। वो नौजवान खूब पढ़ लिख करके और रात भर मेहनत करके एक वकील बना और स्थानीय अदालत में वकालत शुरू कर दी। लेकिन इस वकालत से वह इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे कि वो खुद को और अपने कपड़ों को दुरुस्त रख सके। एक दिन उसका मित्र स्टैंटन उसके पास आया और बोला, तेरी इस वेशभूषा से देखकर तू वकील तो लगता नहीं लेकिन एक देहाती जरूर लगता है, ऐसे में तेरी वकालत कैसे चलेगी? यह सुनकर उस नवयुवक ने जवाब दिया कि मेरा विश्वास मेरे वेशभूषा पर नहीं है, मेरा विश्वास तो सिर्फ इस बात पर है कि मैं कभी झूठा मुकदमा नहीं लूँगा। इसलिए मैं अपने क्लाइंट से पहले ही पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हारी गलती थी या तुम्हें फंसाया गया है? जब वह यह कहता है कि मुझे फंसाया गया है तभी मैं उसका मुकदमा लड़ता हूँ, अन्यथा मैं उसका मुकदमा नहीं लड़ता। इस व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन और अपनी 30 वर्ष की अवधि में कई बार हार मिलने के बावजूद भी यह निराश नहीं हुआ और अपने पुरुषार्थ के दम पर 52 वर्ष की आयु में यह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। तो अब बात करते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। जो लोग अभावों की कमी के कारण अपने बलबूते पर साहस जुटाते हैं वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और सभी कठिनाइयों को पार करके अपने चरित्र बल के सहारे एक दिन उस मुकाम पर अवश्य पहुंच जाते हैं जिसे इन्होंने पहले ही अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया था। ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थी कहलाते हैं और सफलता इनके कदम चूमती है। तो आप लोगों को अब्राहम लिंकन के जीवन से जुड़ी हुई यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।